नागौर जिले के खिमसर पुलिस थाना क्षेत्र के खुचड़ी गांव में चार लोगों पर गाड़ी चढ़ाकर ताबड़तोड़ हमला किया गया। इस घटना में अब तक तीन लोगों की मौत हो गई, तो वहीं चौथी महिला का जोधपुर में उपचार चल रहा है। आपको बता दें, खुचड़ी गांव में दो पक्षों में खूनी संघर्ष हुआ। दूसरा पक्ष पूरी योजना के साथ आया और ताबड़तोड़ हमला कर दिया। हमले में एक पक्ष के मनीराम और पूजा की मौत हो गई, तो वहीं तीसरे गंभीर घायल मुकेश ने उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। इस घटना में अब तक पिता पुत्र और पुत्र वधू की मौत हो गई, तो वहीं एक महिला का जोधपुर में उपचार चल रहा है। आपको बता दें, घटना की जानकारी पुलिस के उच्च अधिकारियों ने घटना स्थल पहुंचकर मौका मुआयना किया। गांव में दर्दनाक घटना हुई है। एक परिवार में तीन लाशें हुई है, उसकी छोटे छोटे बच्चे हैं, तो परिवार के छोटे, और 50 लाख रुपए मुआवजा और परिवार सहित नौकरी और मुजरिमा को पासी होने की सख्त जरूरी है, और इसलिए ये लाश उठेगा नहीं, लाश पड़ी रहेंगे। कल रात को ये सूचना मिली थी कि कुर्सी गांव में एक टैलो गाड़ी से चार लोगों को चल दिया गया है, जिसमें दो की मौके पे और एक की बाद में मृत्यु हुई। सुमन में हमने कुछ लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है, और जो मुख्य आरोपी गिरफ्तारी। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता कमल किशोर खिमसर से फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जी कमल, देखिए कि एक ही परिवार के तीन लोगों की मौत हो गई है, क्या कुछ है पूरा मामला? जी नमस्कार मैम, मैं कह रहा हूँ खिमसर पुलिस थाना क्षेत्र के ये खुर्ची गांव की ये बुधवार रात की 5:30 बजे की घटना बताई जा रही है। ये पुरानी रंजिश को लेकर के ये पूरा मामला बताया जा रहा है। इसमें एक पक्ष पूरी प्लानिंग योजना के अनुसार गाड़ी में चार जने सवार होकर के उस पर ताबड़तोड़ हमला किया था, वही गाड़ी से कुचलकर उनको मार दिया गया था, जिसमें मौके पर ही दो जनों की मौत हो गई थी। वहीं मृतक पिता व पुत्र वधू की मौत हो गई थी। वहीं दो जनों को 108 एम्बुलेंस से क्यों से सीएसएम लाया गया था, जहाँ डॉक्टर ने प्राथमिक उपचार के लिए जोधपुर रेफर कर दिया था, जिसमें उपचार के दौरान ही जोधपुर में ये मुकेश ने दम तोड़ दिया। फिलहाल परिजन वे बावल समाज के लोग बड़ी संख्या में पुलिस थाने के बाहर एकत्रित हैं। वे आरोपियों की मांग कर रहे हैं, जब तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होगी तब तक इनका शव नहीं उठाया जाएगा। अजी कमल जी के साथ ही में जानने की कोशिश करेंगे कि इस पूरी घटना के बाद पुलिस प्रशासन की तरफ से किस तरह एक्शन लिया गया। इस मामले में नागौर डीपी विनोद कुमार से बात की थी, उन्होंने कहा कि हर मामले की एंगल से जांच की जा रही है, शीघ्र ही आरोपियों की गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है। जी कमल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।